प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैवी थॉट्स। आज का विषय है स्वज्ञान की विधि। स्वज्ञान की विधि यानी तरीका। इसे समझने के पहले समझें कि जीवन में हमें क्या समझना है, किन लोगों के साथ कपट मुक्त रहना है। गॉड, गुरु, ग्रेस एंड यू, ईश्वर, गुरु, कृपा और आप, इन बातों को समझना अति आवश्यक है। इन चीज़ों के साथ कपट बिल्कुल नहीं करना है, अपने साथ भी कपट नहीं करना है, खुद को सच्चाई बतानी है। इसे कहते हैं सेल्फ इंक्वायरी विथ ऑनेस्टी, अपनी पूछताछ ईमानदारी के साथ। जब ये चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं तब आत्मविकास होता है। इस आत्मविकास में हम अनेक मार्ग सुनते हैं, जप का मार्ग, तप का मार्ग, तंत्र का, मंत्र का मार्ग, दान का, सेवा का, धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, अनेक शब्द हम सुनते हैं। फिर सवाल आता है कि हम किस मार्ग से आगे बढ़ें, कि मूल बात ये चार बातें समझनी थी, गुरु, गॉड, ग्रेस एंड यू। अब इनको समझने के लिए कौन से मार्ग से जाएं? जब समझ मिलती है तो क्या पता चलता है, ये अनेक मार्ग नहीं हैं। जब अनेक लगते हैं तो लोग झगड़े करते, कोई कृष्ण को मानने वाला, कोई राम को मानने वाला, कोई जीसस को मानने वाला, कोई गुरु नानक को मानने वाला, तो उनकी आपस में तकरार होती है। पर समझ आने के बाद पता चलता है कि ये अनेक मार्ग नहीं हैं। फिर कोई बहुत मार्गों को थोड़े में लाकर बताता है, क्या कहेगा कि ये ज्ञान मार्ग है, ये कर्म मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है। गीता पढ़ेंगे तो अच्छा, ये मार्ग है, मोटे मोटे कहें तो ये मार्ग हैं। मगर और समझ आगे आने के साथ क्या पता चलता है कि ज्ञान युक्त कर्म भक्ति हैं। ज्ञान युक्त कर्म भक्ति ये एक ही हो गए, यानी ज्ञान युक्त कर्म ये तो एक ही चीज़ हो गई ना। ज्ञान युक्त कर्म भक्ति है। जब आप ज्ञान के साथ कर्म करते हैं तो वो भक्ति होती है, तो तीनों एक ही हो गए। क्योंकि कोई भी कर्म करने के लिए ये बातें होनी आवश्यक हैं। तो पता क्या चला, ये तीन नहीं एक हैं। मगर शुरू में समझाने के लिए लोगों को तोड़ तोड़ कर समझाना पड़ता है। जैसे एक शब्द आपको कहें मौनन, मौनन, आप कहेंगे मौनन क्या है, तो तोड़कर दो शब्द बताएंगे, मौन और मनन, मौन और मनन। अब ये दो नहीं है, एक है, तो समझ में आया मौनन। मौनन ध्यान करो, तो पहले मौनन शब्द समझ में नहीं आएगा, ये मौनन ध्यान क्या होता है, हमने तो कभी सुना नहीं। ये मनन आश्रम क्या होता है, हमने कभी सुना नहीं। फिर मनन का अर्थ समझ में आया, महानिर्वाण निर्माण, ऐसे शब्द आप सुनते हो। तो ये शब्द बढ़ते गए बढ़ते गए, जब पूरी समझ आएगी तो शब्द फिर से एक हो जाएंगे। तो मार्ग अनेक दिखाई दे रहे हैं, मगर समझ आते ही ये एक होते जाएंगे।
तो तोड़कर समझाना बच्चों के लिए आवश्यक होता है। बच्चों को समझाना हो तो आप तोड़ तोड़ कर समझाते हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ए और बी आपको सिखानी है तो तोड़ तोड़ कर बताओगे। बाद में क्या पता चलेगा, ये सब जोड़कर हमें पंक्तियां बनानी है, ये जोड़कर सराहना करनी है ईश्वर की, सिखाया तोड़कर, अभिव्यक्ति हुई जोड़कर। तो ये कारण समझ में आना चाहिए पहले, फिर पक्का हुआ कि ये अनेक मार्ग कुछ लोगों के स्वभाव को देखते हुए बनाए गए। ये पर्सन ज़्यादा भक्ति में रह सकता है, ये ज़्यादा सोच सकता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है, तो ऐसा कर करके दो मार्गों में चीज़ों को लाया गया, एक बंदर का मार्ग, एक बिल्ली का मार्ग। बंदर का मार्ग और बिल्ली का, बंदर अपने बच्चे को कैसे लेकर जाता है, बिल्ली अपने बच्चे को कैसे लेकर जाती है। बंदर का बच्चा अपनी ताकत से बंदर को पकड़कर बैठता है, माँ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो बंदर को पकड़ के रखना पड़ता है, अगर उसकी पकड़ छूट गई गिर जाएगा। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़कर ले जाती है। तो ये दो मार्ग, यानी एक में है समर्पण, बच्चा समर्पित है, बिल्ली लेकर जाएगी उसे, वो समर्पित है, और एक में इंसान को अपनी ताकत लगानी होती है, संकल्प, वहां पर उसे इंटेंशन लेना पड़ता है, एक भावना लाकर कि ये मुझे करना है। इस तरह दो तरह के लोगों से शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि ये दो भी एक ही फिल्म के दो पार्ट हैं। ज्ञान आने के साथ संकल्प भी होता है, क्योंकि अब ईश्वर ही संकल्प करता है, ईश्वर ही जागृत होकर जागृत रहना चाहता है, तो इसलिए आगे तो ये जुड़ जाएंगे, मगर जब तक ये पूरी समझ नहीं आई तब तक पर्सन को अलग अलग मार्ग देकर काम करवाया जाता है। तो समर्पण के मार्ग में हर क्रिया समर्पित करते हुए इंसान कार्य करता है, और संकल्प के मार्ग पर वो इंक्वायरी करता है, सेल्फ इंक्वायरी, अपनी पूछताछ, ये है स्व ज्ञान की विधि, अपनी पूछताछ करना। इस स्व ज्ञान की विधि में दो पूछताछ करनी है, दो सेल्फ इंक्वायरी, एक में मनो शरीर यंत्र की इंक्वायरी, एक में स्व की इंक्वायरी, अपनी पूछताछ, स्व की पूछताछ, और एक है शरीर की। इन दोनों में लोगों को भ्रम हो जाता है, उसको एक ही मान लेते हैं, मगर इनमें फर्क समझ लेना। मनो शरीर यंत्र की पूछताछ में आप शरीर से संबंधित, मनो शरीर यंत्र से संबंधित, मन से संबंधित बातों की पूछताछ करते, सेल्फ में जो अनुभव है उसकी पूछताछ करते हैं। दोनों में फर्क जब नहीं बताया गया तो लोग शरीर की पूछताछ करते और वो कहते हैं कि मैं अपनी पूछताछ करता हूं, गलती हो जाती। तो इन दोनों को अच्छे ढंग से समझना, ये मिसिंग लिंक है, छूटी हुई कड़ी, लुप्त कड़ी, लोग भूल जाते हैं, फिर उसकी रिजल्ट आना बंद होती है। मनो शरीर यंत्र की पूछताछ भी करनी है और सेल्फ की भी पूछताछ करनी है। जासूस बनना है आपको अपना, जिस इंसान की याददाश्त खो जाती है तो वो अपनी पूछताछ शुरू करता, मैं कहाँ रहता था, उन जगहों पर जाता है, वो अपनी इंक्वायरी कर रहा है, याददाश्त खो गई ना, मैं कौन हूँ जानने के लिए वो इंक्वायरी करता है। तो पहले मनो शरीर यंत्र की करेगा, यानी कि मेरा मनो शरीर यंत्र कैसा है, उसमें कौन सा अवगुण है, ए से लेकर जे तक
दस बातें क्या है, यानी ये अहंकार के लिए है, अगर तो मेरा अहंकार किसके सामने बढ़ जाता है, किसके सामने मेरे अहंकार को चोट पहुंचती है, बॉस के सामने, बीवी के सामने, बाजार में, कहां पर, कुर्सी पर, पद पर, पोस्ट पर, न्यूज़पेपर पर, कहां बढ़ जाता है अहंकार। बी बोर्डम है तो वो पूछेगा अपने आप से कहां मनोशरीर यंत्र बोर होता है। ये देखो, बोर्डम एक्चुअल जो आप है उसके साथ नहीं है, ये जो यंत्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये सब चीजें हैं कि कब कब मैं बोर होता, और बोर होता हूं तो क्या करता हूं, बोर्डम से बचने के लिए क्या क्या करता हूं, तो ये देखना आवश्यक है, वरना इंसान ये सब करते रहता है और उसको पता भी नहीं कि मैं ऐसे बचने की कोशिश करता हूं, ऐसे पलायन करता हूं, सत्य से भागता हूं, फिर म्यूजिक चला लेता हूं, न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूं, टीवी देख लेता हूं, मित्रों से गपशप करता हूं, फोन पे बात करता हूं, मोबाइल पे बात करता हूं, कुछ तो करता हूं। तो ये सब देखना है, साक्षी बनकर ये देखना है कि देखो ये मेरी इंक्वायरी चल रही, अब बोर्डम ने सर उठाया है। सी यानी कंपैरिजन, यानी अब मैं तुलना कर रहा हूं, वो मेरे से श्रेष्ठ कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ, वो ऐसा करता है मैं ऐसा करता हूं, तुलना का तोता इसको कहा गया है, तोलू मन का तोता, तुलना करने वाला तोता बड़बड़ करते रहता लोगों को देखकर। तो ये देखो, इसका साक्षात्कार करो। तो ये साक्षात्कार क्या है, मनो शरीर यंत्र का साक्षात्कार, और एक है आत्म साक्षात्कार, यानी जो सेल्फ इंक्वायरी है, स्व का स्मरण, स्वबोध। तो ये दोनों में फर्क समझना, स्वबोध अलग और मनो शरीर यंत्र का बोध अलग, ये दोनों जरूरी है, क्योंकि दोनों को मिलाकर आप स्थापित होते हो अनुभव पर, क्योंकि शरीर भी तो अनुभव में स्थापित करने में मदद करेगा, यही मन मदद करेगा बाद में भक्त बनकर, यही तोलू मन जब भक्त बन जाएगा, यही वजन गाएगा, यही मदद करेगा, तो इसको भी साथ में लेकर चलना है। तो पहले फर्क समझ लिया, फिर दोनों को साथ में चलाना है। तो फर्क में मनो शरीर यंत्र की इंक्वायरी कि कहां पर तुलना का तोता, कंपैरिजन। सी डी यानी डिप्रेशन, निराशा आती ना, तो निराशा में मैं क्या करता हूं, कब कब निराशा आती है, क्या देखकर निराशा आती है। तो एक एक शब्द के साथ, गुस्से में मैं क्या करता हूं, नफरत में मैं क्या करता हूं, द्वेष में मैं क्या करता हूं, लालच आती है तो मैं क्या करता हूं, वासना जागती तो मैं क्या करता हूं, एक एक बात पर जब आप इंक्वायरी करोगे, पहले तो बैठकर करोगे ना आंख बंद करके, फिर बाद बाद में यही मनो शरीर यंत्र की पूछताछ चलते फिरते भी होगी, ये पर्सन आया उसने ऐसा बोला तो मैंने उसका काम नहीं किया, ये पर्सन आया उसने ऐसे से बात की मैंने उसका काम कर दिया, फिर अब अपने आप से पूछोगे इसका काम किया इसका काम नहीं किया क्यों, तो नहीं ये पर्सन ना मेरी सराहना करता है, अप्रिशिएट करता है, तारीफ करता है, इसलिए इसका काम किया, ये पर्सन ना मेरे अहंकार को चोट पहुंचाता है इसलिए इसका काम नहीं किया, या ये पर्सन आगे काम में आएगा इसलिए किया, ये नहीं आएगा इसलिए नहीं किया, शर्त है बेशर्त नहीं है। तो इस तरह हर घटना में अपने आप को देखना सीखोगे, यानी किसको, अपने को, यानी मनो शरीर यंत्र को जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप ये यंत्र नहीं हो, आप मनो शरीर यंत्र नहीं हो, मगर इस्तेमाल तो कर रहे हो, तो जो चीज इस्तेमाल कर रहे हो उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, कितनी लालच है, कितना अहंकार है,
कितना क्रोध है, नफरत क्या, द्वेष क्या, ईर्ष्या क्या है इसके अंदर, लालच लस्ट में वो कहाँ जाता है, कैसे डूबता है। तो ये इंक्वायरी चलते फिरते भी कर पाओगे। बाजार में भाव तोल कर रहे हो, सामने वाले को बता रहे हो, बता रहे हो, एक मन में है कुछ, दूसरा बोल रहे हो अलग बात, मन में रख रहे हो दूसरी बात। तो ये खुद को देखो, ये ऐसा मैं करता हूँ, अपने मन मुताबिक करवाने के लिए ऐसा करता हूँ। ये प्रकाश में आए, ये सब बातें प्रकाश में आनी चाहिए, क्योंकि जब प्रकाश में आएगी ना, बदलाहट शुरू होगी खुद ब खुद। आप देखोगे जो अनावश्यक बातें हैं वो छूटना शुरू हो जाएगी, जो आवश्यक है वही बचेगा। यही सत्य के साथ खूबसूरती है। अंधेरे में लग रहा था कोई खड़ा है, आपने इंक्वायरी की, पहले डर के मारे गए ही नहीं उधर, चद्दर मुंह पर डाल दी, और अब आपने की इंक्वायरी, अच्छा ये क्या है, देखें। नजदीक गए तो क्या देखा, वहां कोट टंगा हुआ था, ड्रेस टंगी हुई। तो आप कहेंगे जो खड़ा था वो भाग गया, तो क्या वो भाग गया, आपको पता वो था ही नहीं। सत्य प्रकाश के साथ क्या होगा, पता चलता वो था ही नहीं, व्यक्ति था ही नहीं। अहंकार जिस पर हम इतना कार्य कर रहे थे था ही नहीं। तो सत्य की खूबसूरती है, जब ये प्रकाश में आएगी बातें तो तुलना का तोता चुप होना शुरू हो जाएगा, बोर्डम से मुक्त हो जाओगे, ईर्ष्या द्वेष क्रोध से मुक्त हो जाओगे। मगर पहले देखना शुरू करना पड़ेगा, खुद को ईमानदारी से बताना पड़ेगा, हाँ मेरा मनोज शरीर यंत्र ऐसा है, अब इसी से ही काम चलवाना है ना, जैसा शरीर मिला है। जैसे कोई पर्सन गोद में बच्चा लेकर आए, गोद लिया है उसने, अनाथ आश्रम से गोद लेकर आया, तो वो बोले जैसा भी मिला है अब इसको ही पालना है। उसके अंदर कुछ आदतें होगी, वृत्ति होगी उसके माँ बाप की, मगर उसके बावजूद भी इसको पालना तो है। तो हमारे मनो शरीर यंत्र में जो भी वृत्तियां आ गई उसके बाप दादाओं की वजह से अब जो भी मिला है, इसी से काम चलाएंगे। तो इसके अंदर है क्या, पहले ये तो पता चले क्या क्या भरा हुआ है। तो ये सब भरा हुआ है, तो इसकी इंक्वायरी हम करेंगे। इंक्वायरी करते ही वो चीज गायब, जैसे जैसे गहराई में जाओगे वही चीजें लुप्त होते जाएगी। और अगर इंक्वायरी नहीं की, पूछताछ नहीं की, तो वो चीज टिक जाती है। क्यों टिक गई, किसी ने पूछताछ ही नहीं की। आप जानते हो ना, पार्टी में कोई घुस आता है, लड़की वाले सोचते लड़के वालों की तरफ से आया होगा, लड़के वाले सोचते लड़की वालों की तरफ से आया होगा, कोई पूछताछ ही नहीं करता उसकी, ये सोचकर कोई पूछताछ नहीं करता, और वो पर्सन आके खा पी के मजे से चला जाता है। फिर बाद में न्यूज़पेपर में आता है ये कैसे पार्टी में घुसा है पर्सन। तो आप पहले ही इंक्वायरी करते, अगर यानी पहले ही आपको डाउट आया, आपने पूछताछ की कि तुम लड़की वालों की तरफ से हो, लड़के वालों की तरफ से, हाँ, और फिर लड़के वालों से जाके पूछा ये बोल रहा है तुम्हारी तरफ से, तुम्हारी तरफ से ये ना सिर्फ पूछना था। जैसे ही कोई पूछेगा ना उससे इंक्वायरी करेगा तो भाग जाएगा, अरे इंक्वायरी शुरू हो गई, भागो, पूछताछ शुरू हो गई। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी घुस आया है, जो हमारा स्वभाव नहीं है, उसे निकालने का तरीका क्या है, पूछताछ। पूछताछ करो वो चीज भाग जाएगी, नहीं करो टिक जाएगी, टिक जाने वाली है। जैसे एक इंसान घर आया किसी के मेहमान बनकर, बीवी को आकर कहा, पति गए थे ऑफिस,
बीवी को आकर कहा मैं अंकल जॉन हूँ, तो बीवी को लगा कि पति का अंकल आया है, बिठाया खिलाया पिलाया, पति को फोन किया कि अंकल जॉन आए हैं जल्दी आना। पति आ गया कि बीवी का अंकल आया है जॉन, तो वो भी जल्दी आ गया, हेलो हाय किया, कैसे चल रहा है, कहाँ थे, अफ्रीका में था, ऐसा था, वो स्टोरी बताता है अपनी। अब 10 साल वो उनके साथ रहा, 10 साल उनके साथ रहा और जब मरा, और 10 साल बहुत परेशान किया, हस्बैंड वाइफ को बहुत परेशान किया, बहुत उसकी मनमानी चलती रहती, आज खाने को ये चाहिए, आज घूमने को इधर लेकर जाओ। जब मरा तो बीवी ने कहा कि यदि तुम्हारा अंकल नहीं होता मैं इसको कभी बर्दाश्त नहीं करती थी। पति ने कहा क्या कह रही हो, वो तो तुम्हारा अंकल था। अरे ये पहले पूछ लिया होता, ये पहले पूछताछ की होती, ये किसका अंकल है, तो पता चलता वो अंकल था ही नहीं। कितनी छोटी सी गलती है, तो इंसान पूछताछ करता ही नहीं। और अंकल जॉन तोलुमन जिंदगी भर रहता है साथ में। पूरा जीवन परेशान करता रहा, आज ये खाने को चाहिए, आज इधर घुमाने ले जाओ, आज ये आज वो, और इंसान बर्दाश्त किए जा रहा है, किए जा रहा है। जरा पूछताछ तो करो, ये अंकल जॉन है कौन, कहाँ से आया, कैसे पैदा हुआ, थोड़ी इंक्वायरी करो, थोड़ी पूछताछ करो। ये सीक्रेट है स्व ज्ञान विधि का कि इंक्वायरी करो, पूछताछ करो। बाहर की पूछताछ लोग कैसे करते हैं, इसके घर में कौन आया था आज मेहमान, कार में आए थे उसके घर में लोग, कौन रहेंगे, नई ड्रेस पहनी हुई लगती है, तो कैसे इंक्वायरी चलती रहती है, आजू बाजू में क्या चल रहा है, इंक्वायरी चलती रहती है। अपनी इंक्वायरी छोड़कर इंसान सबकी इंक्वायरी कर रहा है, अपनी पूछताछ नहीं करता, बाकी सबकी पूछताछ करते रहता है, न्यूज देखना चाहता है, सब देखकर जानना चाहता है क्या चल रहा है, मगर तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है उसकी इंक्वायरी करनी है। क्योंकि ये सब विकार जब चले जाएंगे, भाग जाएंगे अंकल जॉन की तरह, मर जाएंगे जब, तब आप मुक्ति का एहसास करोगे। मगर ये शरीर में जब तक है तब तक नहीं कर सकते क्या, कर सकते। पहले अपने आप को जानना शुरू कर दिया तो अब साफ साफ दिखाई देगा, ये मनोशरीर यंत्र और ये मैं, ये मेरा शरीर और ये मैं। अब ये यंत्र मिला है, इसको अब शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, इसे मंदिर बनाएंगे, पूछताछ करके इसको मंदिर बनाएंगे। तो देखो पूछताछ भी करेगा इंसान, ईश्वर के साथ प्रेम है इस वजह से भक्ति में करेगा। तो देखो भक्ति और संकल्प का मार्ग अलग है, ऐसा नहीं है, है तो एक ही। भक्ति की वजह से इंसान सेल्फ इंक्वायरी करेगा, ईश्वर से प्रेम, इसलिए वो करेगा, ईश्वर ही है इसलिए करेगा। तो फिर इंक्वायरी होगी तो मंदिर शुद्ध होते जाएगा। पहले बाहर बाहर की चीज़ें खाना बंद करता, उल्टा सुल्टा खाता था, वो बंद करता है। मंदिर में कौन सी चीज़ें डालें जो उसकी शुद्धि बढ़ाएं। ओवर ईटिंग नहीं करेगा, ज़्यादा खाकर भी पर्सन नॉनवेज ही खा रहा है ना, ऐसा मत सोचना कि ये चीज़ खाई तो ही नॉनवेज, ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो वो भी नॉनवेज होता है। तो फिर समझ के साथ जब होगा तो मंदिर में आप कैसी चीज़ें डालोगे, क्योंकि अभी प्रेम है, भक्ति है। आप जानते ना कोई किसी का गुजर जाता है तो फिर लोग सोचते हो फला फला को ये चीज़ पसंद थी, अब ये चीज़ मैंने छोड़ दी खाना, लोग छोड़ कर आते हैं ना, उसको सफरचंद पसंद था अभी मैं नहीं खाऊंगा जिंदगी भर, जब भी सफरचंद सामने आएगा उसकी याद आएगी। लोग प्रेम में करते ना, प्रेम की ताकत है, भक्ति की ताकत है।
अगर आपके अंदर भक्ति जग गई तो आप इस शरीर को मंदिर बनाना ही चाहोगे, इसके अंदर कोई भी दुर्व्यसन न बचे। सिगरेट शराब व्यसन लोग डालते जो रहते हैं सब आप निकालना चाहोगे भक्ति की वजह से। सेल्फ इंक्वायरी करोगे ये जल्दी प्रकाश में आएगी और फिर एक नया रास्ता जहां सब एक होते हैं जाकर शुरू होगा। तो उदाहरण बताएं कि इंक्वायरी से क्यों फायदा होता है। अंकल जॉन कैसे भाग जाता है, नहीं कि जब तक तब तक वही बातें चलती रहती हैं।